Assalamu alaikum to you student. Welcome to the online English class. Today the date is 19th August 2020 and the day is Wednesday. Today our topic is pronoun. In the previous lecture I'll give you about the noun. I'll revise my lecture about the noun. First of all I'll tell you about what is noun. A name of person, place or thing or idea is noun. किसी भी शख्स, किसी भी चीज़, किसी भी जगह के नाम को हम कहते हैं noun, मतलब कि नाम को. ठीक, यहाँ पे है pronoun. A word such as he, she, it, they, which can be used instead of a noun is called a pronoun. जब उन नाम की जगह पे हम कोई भी उसकी replacement पे word use करते हैं तो उस word को हम pronoun कहते हैं. एग्जाम्पल्स में आपके सामने है ही, दे, ही, यू, अस. ये तो आपको एक वर्ड बैंक दिया गया है लेकिन इसके एग्जाम्पल है ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, अस. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम किसी भी जगह पे नाउन, मतलब नाम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन. ओके, you have given an exercise and you have to fill the exercise with the help of given word bank. Fill in the blanks with suitable pronouns. Dash has lent his pen to Mary. Dash ने अपना pen Mary को दिया. अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा? आप देख सकते हैं कि his pen, his जो होता है वो voice के लिए use होता है, जब voice में कोई possession को show, मलकियत को show किया जाए तो हिज़ होता है. तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे ही यूज़ करेंगे. और ही किसके लिए यूज़ होता है? बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए, दे जो है ज़्यादा लोगों के लिए, चाहे इसमें बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, जो भी हो. ठीक है, मेल, फीमेल, जो भी हो. यू आपको डेफिनेटली पता है, यू का मतलब होता है तुम. ठीक है, तो अस जो है वो हमारे, हमारे लिए. ठीक है, इसका मतलब होता है, अस क्या होता है? हमारा. ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसके बाद अब फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ही हैज़ लेंट हिज पेन टू मैरी. सेकंड पे है डिड डैश रीड द बुक. ही तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, दे भी नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए दे यूज़ होता है. तो यू आएगा कि डिड यू रीड द बुक, क्या तुमने बुक पढ़ी. सॉरी, ये रीड नहीं है, रीड ही है. ओके, डिड यू रीड द बुक, क्या तुमने बुक पढ़ ली. ठीक है, आर टीचर टोल्ड डैश टू डू आर होमवर्क. अब यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, ओ यू आर आर. आर जो होता है इसका मतलब होता है हम. तो हम की जो जब पोजेसिव में आ जाता है, उसकी मलकियत में जब कोई बात आती है तो वो अस होता है. ठीक है, आर टीचर टोल्ड अस टू डू आर होमवर्क. नंबर फोर, द बॉयज़ वर हैप्पी फॉर डैश वर गोइंग ऑन अ पिकनिक. बॉयज़ बहुत खुश हैं. क्यों? बॉयज़ अब ज़्यादा लड़के हैं यहाँ पर. ठीक है, तो हम ज़्यादा के लिए जो है वो यूज़ करते हैं दे, चाहे वो लड़कियाँ हों, लड़के हों या दोनों हों. ठीक है, तो ज़्यादा के लिए हम दे यूज़ करते हैं. द बॉयज़ वर हैप्पी फॉर दे वर गोइंग ऑन अ पिकनिक. नंबर फाइव, ही टोल्ड मी दैट डैश वॉज इल. उसने मुझे बताया कि वो बीमार है. तो ही डेफिनेटली वो लड़का है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन भी ही आएगा. ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल. Okay students, today our lecture is over. I hope you can easily understand about the definition of pronoun and you can know how to use these pronoun with the suitable place. Okay students, Allah Hafiz.